मैं राम प्रसाद वर्मा विकास कोचिंग केंद्र रसला बलिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को आज वर्तनी के बारे में कुछ विशेष बात बताने जा रहा हूँ। वर्तनी का मतलब लिखावट से होता है। इस वर्तनी में कुछ ऐसी अद्भुत बातें हैं जिसको लोग जो है समझने में कहीं कहीं भूल कर देते हैं या गलतफहमी में उसको दूसरे रूप में जानते हैं। देखिए, वर्तनी में सबसे पहले मैं आपको संयुक्त भाग के बारे में बताऊंगा। देखिए, संयुक्त वर्ण का मतलब होता है व्यंजन वर्ण का एक से अधिक बार लगातार आना, जैसे सत्य। देखिए, सत्य में तो व्यंजन है और इसके बाद यो व्यंजन है और यो के बाद स्वर और मिला हुआ है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए, सत्य जो है इस रूप में है, सौ आधा तो आधा यो, जिसे आप व्यंजन रूप में जानते हैं, और यो। यहां पर यह बताना है कि व्यंजन वर्ग में जो सबसे पहला व्यंजन होता है उसको या तो हम हलंत करके लिखते हैं या आधा रूप में उसका प्रयोग करके उच्चारण करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर दो संयुक्त वर्ण को यानी संयुक्त व्यंजन को एक में मिला के लिखते हैं, जैसे आप किसान बताता हूं। शब्द है विद्वान, विद्या है द्वेष है। देखिए, इन शब्दों के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। विद्वान में द और व दो व्यंजन लगातार आए हुए हैं, लेकिन यहां पर जानना यह है कि दो में जो वह आप देख रहे हैं, देखने में तो वह आधा लग रहा है, लेकिन सच में जानिए तो ये वह आधा नहीं है बल्कि दो ही आधा है और दो में आ मिलकर के पूरा दिख रहा है। इस विद्वान को पढ़ने में वी के बाद हम तुरंत दो और दो के बाद वह बोलते हैं, यानी वाल होते हैं। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए, विद्वान में वी के बाद जो आप वो देख रहे हैं वास्तव में वो आधा नहीं है बल्कि दो ही आधा है और वो में आ मिला हुआ है। विद्वान बोलने में वी के बाद दो बोलकर तुरंत हम वान बोलते हैं, विद्वान। इस प्रकार यहां पर दो पहले है और वो बाद में है, यानी विद्वान में दो जो दिख रहा है पूरा वो दो वास्तव में आधा है, निरंजन है, और वह जो आधा दिख रहा है इसमें आसवर मिल जाने के नाते वह पूरा है और वही बात है। अब आप बताऊं विद्या। देखिए, विद्या में जो द्यो दिख रहा है दो में यो मिला हुआ है, यानी दो और यो दो व्यंजन लगातार आए हुए हैं और फिर उसमें आसवर मिला है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए, वास्तव में विद्या में दो में यो मिला है, यानी दो और यो दोनों व्यंजन है और उसमें आ मिलकर के विद्या रूप बनता है। देखिए, द्वेष के बारे में, द्वेष में जो आप देख रहे हैं आधा वो दिख रहा है, लेकिन यही यहां भी बिल्कुल विद्वान जैसा है। वास्तव में जो वो आधा दिख रहा है ये वो आधा नहीं है बल्कि दो आधा है, यानी व्यंजन है, और वो में ए मिल करके वे बना है। अब देखिए, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए, वास्तव में द्वेष में दो व्यंजन है फिर वह व्यंजन में ए मिल करके वे बना है, विद द्वेष यहां पर दो आधा वो आधा में ए मिल करके वो पूरा हो गया और सब विद द्वेष या द्वेष, जैसे भी लिखे यहां पर द्वेष अलग शब्द है और विद्वेष अलग शब्द है, तो हमको यहां मतलब बस द्वेष है। यहां पर हम देखें दो द्वेष ये दोनों रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, वर्तनी में अगला बिंदु मैं आपको बताऊं, र के रूप। देखिए, र तीन रूपों में प्रयोग किया जाता है।
बारी बार से मैं आपको बताऊं, पहला रूप है सामान्य रूप, दूसरा रूप है रेफ रूप और तीसरा रूप है पदेन रूप। सामान्य रूप, रेफ रूप, पदेन रूप, और मैं बारी बारी से तीनों के बारे में आपको बता दूं। देखिए सामान्य रूप, रोग का सामान्य रूप वहां पर प्रयोग किया जाता है जहां रोग किसी न किसी स्वर के साथ हो। जब रोग स्वर के साथ होगा तो वह सामान्य रूप प्रयोग किया जाए, जैसे राम है, रजत है। यहां पर देखिए राम में रौ के साथ आ मिला हुआ है जो स्वर है, इस रूप में रौ अपने समान रूप में आया हुआ है। और रजत शब्द है और रजत में रौ के साथ और स्वर जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां भी रौ अपने समान रूप में आया है। तो कोई भी कहीं भी रौ जब किसी स्वर के साथ हो तो अपने समान रूप में आता है। देखिए अब मैं रौ के रेफ रूप के बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले ये बताना है कि रेफ रूप लिखा कैसे जाता है। तो यह किसी भी वर्ण के ऊपर अंग्रेजी भाषा के सी के आकार का होता है, जैसे इस रूप में लिखा जाता है, यही रेफ का रूप है। लेकिन आपको यह बता दूं कि रेफ रूप लिखा कब जाता है, तो यह जानना है कि जब र किसी स्वर के साथ न हो यानी व्यंजन रूप में हो तो वह रेप के रूप में लिखा जाता है। जैसे सर्व शब्द है, कर्म है, या पर यह लिखना है सब कर्म, यहां सौ के बाद र व्यंजन रूप में है यानी किसी स्वर के साथ नहीं है, इसलिए हम र को प के ऊपर रेप लगाए। कर्म है, कर्म बोलते समय ध्यान दीजिए कर्म र के बाद तुरंत हम म बोलते हैं यानी र यहां व्यंजन रूप में है, इसलिए म के ऊपर रेप लगा हुआ है। तो र का रेप जब र में कोई स्वर न हो तब होता है। हाँ देखिए अब मैं बताऊं आपको र का पदेन रूप, र का पदेन रूप किस रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले तो ये देखें इसके दो रूप होते हैं, एक ये रूप है और एक ये रूप है। ये दोनों वर्ण के नीचे लिखे जाते हैं, वैसे नाम से ही स्पष्ट है पदेन पद से बना है, पद यानी पैर, यानी ये दोनों जो निशान है पदेन रूप में रखे ये वर्ण के नीचे लिखे जाते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि इसका प्रयोग कहां पर होता है, तो ये जानना है कि जब वर्ण आधा हो यानी व्यंजन रूप हो, इसके बाद जब र स्वर के साथ आता है यानी व्यंजन वर्ण के बाद आधा अक्षर के बाद जब र किसी स्वर के साथ हो उस रूप में र वह पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे आपको बताऊं क्रम, क्रम देखिए इसका दो रूप है, अब दोनों का प्रयोग कहां पर होता है आपको यह जानना है। क्रम में देख रहे हैं कि प व्यंजन के बाद र पूरा आया है यानी स्वर के साथ है, इसको मैं समझ सकते हैं क्रम, क व्यंजन है इसके बाद र पूरा आया है स्वर के साथ, इसलिए यहां पर हम पदेन के रूप में लिखे हैं। लेकिन ट्रक में देखिए, ट्रक में जो पदेन है वह दूसरे तरह का दिख रहा है, तो सबसे पहले यहां पर यह जानना है कि ये क्रम ऐसे और ये ऐसे दोनों रूप में क्यों होता है।
तो जब किसी ये डंठल वाले वर्ण के साथ अगर रिक यानी पदेन आए तो वह जो है इस रूप में लिखा जाता है, और जब ट वर्ण के साथ है ट वर्ण जैसे ट्रक है ड्रामा है, जब ट वर्ण के साथ है तो वह जो है इस रूप में लिखा जाता है, यानी इसमें ट्रक में ट व्यंजन है और इसके बाद रज है स्वर के साथ है, यहां ड्रामा में ड व्यंजन है और ड के बाद रो आ के साथ आया है। इसको ट्रक को और ड्रामा को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ट्रक में ट व्यंजन है इसके बाद रो आ के साथ है, अ के साथ है और फिर प है, यहां ड्रामा में ड व्यंजन है इसके बाद रो स्वर के साथ है आ के साथ है, यहां आ है। यहां पर यह दिखना है कि र का जो पदेन रूप है इस रूप में कहा होता है और इस रूप में कहा होता है, तो किसी डंठल वाले वर्ण के साथ यह नीचे ऐसे होता है और ट वर्ण ट वर्ग के साथ यह नीचे इस रूप में यानी अंग्रेजी के उल्टा भी रूप आता है। तो ये आपके सामने यह बताया र के रूप सामान रूप यहां ऐसे रेप रूप ऐसे और पदेन रूप आपके सामने में यहां होता है। और मैं आपके सामने वर्तनी में अड़ा के बारे में बताऊंगा जिसका कि आपका दो रूप सामने देखने को मिलता है। तो देखिए अड़ा के बारे में, ये जो अड़ा है आप दो रूप में देखते हैं इसे, ये दोनों अड़ा कहां प्रयोग किया जाता है और इनमें क्या अंतर है इसके बारे में आपको बता दूं। जो हिंदी वर्णमाला में ट वर्ग का आखिरी अक्षर जो अड़ा है, ट वर्ण का आखिरी अक्षर अड़ा, और ये जो सड़क शब्द में घोड़ा में ये जो अड़ा का इस्तेमाल हम इस रूप में करते हैं, इन दोनों का उच्चारण कैसे होता है और इन दोनों में क्या अंतर है आपको ये बात बता दूं। देखिए ट वर्ण का आखिरी अक्षर र है, इसको हम अनुनासिक कहते हैं, यानी इसके इस प्रयोग में इसके उच्चारण में नासिका का इस्तेमाल है, नाक का प्रयोग किया गया है, और ये जो र दिख रहे हैं यह अननुनासिक है, यानी अननुनासिक का तात्पर्य है कि उसके उच्चारण में हम नाक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसका उच्चारण कैसे होता है, देखिए इसको हम अणव बोलते हैं, अणव यानी नाक का प्रयोग अणव, लेकिन इसको हम अणव बोलते हैं। जैसे उदाहरण इस और उच्चारण नाक का इस्तेमाल करेंगे, इसको भी पण पण, यहां पर जो सड़क है इस रूप में हम नाक का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको सड़क कहेंगे। अगर नाक का प्रयोग करना होता तो हम सड़क कहते हैं, लेकिन सड़क नहीं कहते हैं, हम सड़क कहते हैं। बिजली की कड़क बिजली की कड़क इसे हम कड़क बोलते हैं, अगर इस अड़ का इस्तेमाल होता तो कड़क हो जाता, लेकिन बिजली कड़क रही है, कड़क रही है नहीं बोलते हैं, बिजली कड़क रही है। तो यहां पर आपको दोनों का अंतर बताए, इस अड़ के प्रयोग में हम नाक का प्रयोग करते हैं अड़ाव, इस अड़ में हम नाक का प्रयोग नहीं करते हैं, इसे हम अड़ बोलते हैं। ये अनुनासिक है और ये अननुनासिक है। तो अब मैं इसके बाद आपको वर्तनी के बारे में अगला पॉइंट एक ऐसा बताता हूं जो अक्सर बार बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत लोग उसमें भ्रम कर जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए आपके सामने आगे आप चंदन ऐसा भी लिखा देखे होंगे, और चंदन ऐसा भी लिखा देखे होंगे, एक उदाहरण से आपको समझाऊं। चंदन यहां पर अनुस्वार है, इस रूप में भी आपको सामने दिखाई देता है, और चंदन इस रूप में भी आता है, तो ये सही है कि ये सही है या दोनों सही है आज आपको मैं बता दूं। देखिए ये भी चंदन सही है, ये भी चंदन सही है, तो फिर इसका दो रूप कैसे आ गया यही मैं आपको बता दूं। देखिए
इसका नियम यह है कि अनुस्वार के बाद अगर किसी वर्ण का अक्षर आ जाता है, अनुस्वार जो अंग की मात्रा जिसे बोलते हैं, अनुस्वार के बाद अगर किसी वर्ण का अक्षर आता है तो उस रूप में हम अनुस्वार के जगह पर इस वर्ण के रूप का पांचवा अक्षर व्यंजन रूप में रखते हैं, यानी आधा रूप। जैसे मान लीजिए कि अनुस्वार के बाद वह आया हुआ है, अगर हम अनुस्वार नहीं लिखना चाहते हैं तो अनुस्वार के जगह पर इस दौर का पांचवा अक्षर यानी नौ ये व्यंजन के रूप में लिखे हैं। अब आपको दूसरा उदाहरण दूं, गंगा है, अगर हम अनुस्वार यहां पर देख रहे हैं, अगर अनुस्वार नौ लिखना चाहें तो अनुस्वार के जगह पर आगे क्या है ब, तब ब वर्ग के अंदर आता है तो उसके वर्ग का पांचवा अक्षर लिख सकते हैं, इसको हम गंगा ऐसे लिख सकते हैं, यही गंगा ऐसे भी लिखाएगा। आपको चंचल लिखना है, चंचल देखिए, चंचल में आप देख रहे हैं च पर अनुस्वार लगा है, लेकिन अगर आप अनुस्वार नहीं लिखना चाहते हैं तो अगला अक्षर च है, इसका पांचवा वर्ण यहां बीच में लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगला शब्द कंपन, कंपन देखिए क में अनुस्वार लगा है, अगर अनुस्वार न लिखना चाहें तो अगला क का पांचवा अक्षर यानी पंचम वर्ण बीच में लिखा जा सकता है व्यंजन रूप में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक और उदाहरण देता हूं, झंडा, देखिए झंडा में अनुस्वार लगा हुआ है, अगर हम अनुस्वार न लिखना चाहें तो अगला वर्ण ग है, तो ग का पांचवा अक्षर यहां बीच में लिखा जा सकता है, इसको हम लिखते हैं झंडा। देखिए तो अब मैं आपके सामने बता दिया, ये भी रूप सही है और ये भी रूप सही है, दोनों ही रूप सही हैं, बस लिखने का अपना तरीका अलग अलग है। तो मैं आपके सामने आज वर्तनी के जो अनेक बिंदु जिसमें हमको जानकारी मिली, वर्तनी में शुद्धता कहां से आती है, कौन सही कौन गलत, क कैसा रूप, र का रूप कैसा है, अण कैसा है, तो बस आज के वीडियो में बस यही तक। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपके पास बड़ी आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।